बटरफ्लाई, कैसा आप सब? अब तक ये फ़ोटोज़ किस किस ने देखी? शायद सब ने, जिनने अपने इंस्टाग्राम पर ये फ़ोटो शेयर की थी जिसमें जेहोप और जिमिन दोनों जिन से मिलने गए थे। अब आपके दिमाग में कुछ सवाल आ रहे होंगे। सबसे पहले, क्या BTS के बाकी मेंबर को जिन से मिलने की परमिशन है? दूसरा, क्या जिन को इंस्टा पर फ़ोटो शेयर करने की परमिशन है? और तीसरा, और इस वीडियो का मेन टॉपिक, प्राइवेट फर्स्ट क्लास क्या है? इस वीडियो में हम इन्हीं तीन टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सवाल, प्राइवेट फर्स्ट क्लास क्या है? ये एक पोस्ट है, यानी स्टार्टिंग के जो 5 वीक के ट्रेनिंग के बाद जो पोस्ट मिलती है वो। सबसे पहले आता है प्राइवेट या प्राइवेट सेकंड क्लास। आपने देखा है सोल्जर के सीने में वो बैच और मेडल होता है, तो प्राइवेट पोस्ट के सोल्जर के सीने में एक बैच या एक मेडल लगा होता है। फिर अगर वो 2 महीने अच्छे से काम करता है, बहुत मन लगा के, फिर उसका प्रमोशन होता है और वो प्राइवेट फर्स्ट क्लास में प्रमोट होता है, जो अभी जिन है, यानी उनके पास अभी 2 बैच या 2 मेडल हैं। फिर इस पोस्ट पर 6 महीने अच्छे से काम करने के बाद उसका भी प्रमोशन होता है और वो कॉर्पोरल की पोस्ट पर होता है। इनके पास 3 बैच या 3 मेडल होते हैं। ऐसे ही आगे भी होता है, कॉर्पोरल के बाद सर्जेंट, इसके बाद स्टाफ सर्जन, फिर सर्जन फर्स्ट क्लास और सबसे बड़ी पोस्ट मास्टर सर्जन की। इनके पास 7 बैच और 7 मेडल होते हैं। जैसे जैसे प्रमोशन होता जाता है, इन ट्रेनिस को छुट्टी मिलती है, उन्हें फ़ोन यूज़ करने की थोड़ा ज़्यादा परमिशन होती है और वो छुट्टी पर घर भी जा सकते हैं और इनके पास रहने के लिए अलग से रूम होते हैं। मैं खुश हूँ कि जिन अभी प्राइवेट फर्स्ट क्लास में है। अगर जिन हार्डवर्क करेंगे तो उनका फिर से प्रमोशन होगा। अब दूसरा सवाल, जिन ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कैसे की? सबसे पहले, अभी जिन के पास परमिशन है। दूसरी मेन वजह, अभी वहाँ ट्रेनिस डे का फंक्शन था, फंक्शन और सेरेमनी के दिन फ़ोटो शेयर करने की परमिशन होती है और सैटरडे संडे को कैंप में छुट्टी होती है। क्योंकि जिन अभी प्राइवेट फर्स्ट क्लास में है तो उनकी भी पक्का सैटरडे संडे की छुट्टी होगी। और थर्ड सवाल, क्या BTS मेंबर को जिन से मिलने की परमिशन है? हाँ, मिल सकते हैं। रोज नहीं पर महीने में एक दो बार फैमिली और फ्रेंड्स का मिलना अलाउड है। और फंक्शन और सेरेमनी वाले दिन तो फैमिली और फ्रेंड दोनों आ सकते हैं, उन्हें पूरी छूट होती है, जो कि जेहोप और जिमिन गए थे। वैसे तो जहाँ तक मेरी नॉलेज है, प्राइवेट फर्स्ट क्लास वालों को भी वेकेशन मिलता है, 1 महीने के बाद उन्हें वेकेशन मिलता है। तो अगर जिन अच्छे से काम करेंगे तो मे बी मार्च के एंड में या अप्रैल में जिनको वेकेशन मिल सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है। ओके देन, जिन अभी घर नहीं है, वो कैंप में ही हैं, उन्हें बस थोड़ी ज़्यादा परमिशन मिली है क्योंकि उनका प्रमोशन हुआ है। आई होप आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर एक लाइन में कहूँ तो, जिनको प्रमोशन मिला है इसलिए उनको थोड़ी सी फ्रीडम भी मिली है। वैसे मुझे खुशी होगी अगर आप वीडियो को शेयर करें तो, खासकर अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगाएं तो। 19 मार्च को मेरे चैनल को 1 साल होने वाला है। 19 मार्च 2022 में मैंने पहली वीडियो डाली थी, तो इस 19 मार्च को 1 साल होगा। मैंने इस 1 साल में कभी नहीं बोला वीडियो शेयर करने के लिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो आप शेयर करें, क्योंकि बहुत से लोगों को अब भी नहीं पता कि जिनका प्रमोशन हुआ है। उन्हें लगता है कि जिनके कंधे पर चोट लगी थी इसलिए वो घर पे हैं, छुट्टी पर है। एनीवे, बाकी आपकी मर्जी। वैसे मुझे खुशी होगी अगर आप शेयर करें तो। खैर छोड़ो, ओके देन, फिर मिलते हैं। अपना ध्यान रखना, टेक केयर, बाय बाय।